नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी इन फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप अपने लोन का या क्रेडिट कार्ड के आउटस्टैंडिंग अमाउंट का सेटलमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किसी डेट सेटलमेंट कंपनी की मदद लें या नहीं लें। यानी यह है, कहने का मेरा मतलब यह है कि लोन सेटलमेंट के लिए डेट सेटलमेंट कंपनीज को आप हायर करें या नहीं करें। कुछ लोग ऐसे होंगे जो समझ नहीं पा रहे होंगे कि ये डेट सेटलमेंट कंपनीज क्या होती है, तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि ये होती क्या है। अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज में लोगों के ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा है। वो ये कंट्री हमें कितना भी डेवलप दिखे, कितना भी रिच दिखे, लेकिन एक सच्चाई इसकी ये है कि वहाँ का लगभग हर एक इंसान कर्ज की खाई में है। बहुत गहरा, बहुत बहुत अधिक कर्ज इन सब के ऊपर है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिसके ऊपर कर्ज नहीं है। आई थिंक ओनली 5%, लेस देन 5% ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन इन द US इज डेट फ्री। 5% या उससे कम लोग ही ऐसे हैं जो डेट फ्री हैं, अदरवाइज द इंटायर कंट्री इज ट्रैप्ड इन डेट, वो कर्जे में फंसा हुआ है। तो वहाँ पर उन लोगों को, उन बोरोवर्स को जो लोग कर्जे में ट्रैप्ड हैं, उनको बचाने के लिए कुछ कंपनीज आई हैं। मैं इंडिया की बात करूँगा, लेकिन पहले अमेरिका के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इनका काम क्या होता है? ये बोलते हैं बोरोवर को कि आपका हम सेटलमेंट करवा देंगे, बदले में हम कुछ कमीशन लेंगे। और इस तरह अमेरिका में बहुत सारी कंपनीज खुल गई हैं और उनको एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है। द सेम कॉन्सेप्ट अब इंडिया में भी आ गया है, यानी कि इंडिया में भी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपके डेट सेटलमेंट में आपकी सहायता कर सकती है। यानी कि अगर आपके ऊपर कर्ज है तो आप उनको रीच आउट कर सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, उन्हें आप अपनी परिस्थिति बता सकते हैं, और उसके बाद वो डायरेक्ट ही बैंक के साथ डील करेगी और सेटलमेंट करवाएगी। तो मैं बताऊं कि सेटलमेंट कंपनीज काम कैसे करती है। देखिए, जनरली जब आप उनको रीच आउट करेंगे तो आपकी पूरी की पूरी जो कर्जे की जो रूपरेखा है, कितना कर्ज है, कहाँ से है, क्या है, ये सारी चीज़ें वो आपसे समझेंगे। और समझने के बाद वो आपसे ये कहेंगे कि ठीक है, हम आपके लोन का सेटलमेंट करवा देंगे और उसके बदले में हम आपसे 50% पैसे ही लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके पास बहुत सारी EMI जा रही है, यानी कि पर्सनल लोन है, और सबको मिलाकर सपोज़ कीजिए कि अगर 10 लाख रुपये का डेट आपके ऊपर है, तो वो आपसे कहेंगे कि हम सेटलमेंट करवा देंगे सिर्फ 5 लाख रुपये में। और साथ ही साथ वो ये कहेंगे, देखिए कुछ कंपनी की पॉलिसी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटे मोटे तौर पर कैसे काम करता है मैं वो बता रहा हूँ। वो जो 5 लाख रुपये है, उसी में से उनका कमीशन भी होगा, यानी कि आपको सिर्फ 50% ही देना है, उसमें उनका कमीशन भी होगा और वो सेटलमेंट करवा देंगे। तो आपको इनकी हेल्प लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? तो अगर आपने उनको एक बार बता दिया कि इस तरीके से आपके ऊपर इतना कर्ज है, तो वो आपके साथ एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। आपने सिग्नेचर कर दिया, साइन कर लिया, उसके बाद ये बैंकों से बात करेंगे, और उसके बाद किसी भी ऑर्डर में, यानी कि बड़े से बड़ा कर्ज सबसे पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से। या आप इस ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं उनसे बात करके, जैसे आप चाहें। अब इसमें फ़ायदा क्या है और इसमें नुकसान क्या है, और क्या आपको इनको हायर करना चाहिए? तो मैं यहाँ आपको एक बात बता दूँ। जनरली इनका ये कहना होता है कि हमारे पास एडवोकेट्स की एक टीम है जो आपके बिहाफ, आपकी तरफ से बैंक से बात करेगी, और उसके बाद हम ये सेटलमेंट करवा देंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली तो बात यह है कि ये सेटलमेंट 1-2 दिन 4-5 दिन में होने वाला है नहीं। ये कंपनीज़ आपके अकाउंट का सेटलमेंट तब तक नहीं करवा सकती जब तक कि वो अकाउंट आपका सेटलमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो जाए। सेटलमेंट जनरली एलिजिबल होता है 6 महीने के बाद। यानी कि अगर आपने इनकी सर्विसेज ली तो भी आपको 6 महीने के बाद ही सेटलमेंट मिलने वाला है, और अगर आपने नहीं लिया तो भी जो सेटलमेंट के ऑफर्स आपके पास डायरेक्ट आएंगे वो भी 6 महीने के बाद ही आएंगे।
इसका मतलब यह है कि यह आपके उस टाइमलाइन को कम नहीं कर सकते, एक चीज। दूसरी चीज, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लोग ऑर्डर में सेटलमेंट करवाते हैं, तो मान लीजिए कि आपके पास 5 लोन्स हैं, सबसे बड़ा लोन मान लीजिए कि आपके पास 3 लाख रुपए का है, तो 3 लाख का ही सेटलमेंट करवाएंगे और 4 महीने हो गए हैं, ये आपको 2 महीने वेट करने के लिए ही कहेंगे। वो यही कहेंगे कि हम बात कर रहे हैं बट वी नीड टाइम, 15 दिन के भीतर सेटलमेंट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, भले आप उनको 10 लाख का आधा यानी कि 5 लाख रुपया तुरंत ही दे दें, ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। तो सेटलमेंट के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम लगेगा ही, इनको हायर करने से आपको कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है, एक बात। दूसरी बात, सबसे बड़े लोन को जब भी क्लियर करने की प्लानिंग कर रहे होंगे, जब उस पर्टिकुलर बैंक से या क्रेडिट कार्ड कंपनी से या आपके बिहाफ बातचीत कर रहे होंगे, उस समय बाकी के जो लैंडर्स हैं वो आपको कॉल करते रहेंगे, उस कॉल को रोकने का इनके पास कोई जरिया नहीं है। वो होम विजिट पर भी आ सकते हैं, आपसे ऑफिस में मिल भी सकते हैं, ये कंपनीज उनको नहीं रोक सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका हैरेसमेंट जो है वो यूं ही चलता रहेगा। हाँ, ये कंपनी वाले एक काम ज़रूर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने सुना था, मैंने स्टडी किया है, मैंने देखा है, मेरे रिसर्च पर जो मैंने पाया, ये आपको एक वर्चुअल नंबर देते हैं, वर्चुअल फ़ोन नंबर आपको अलॉट किया जाता है जब आप इनके प्रोग्राम में ऑन बोर्ड हो जाते हैं। तो वर्चुअल नंबर से होता क्या है, आपके पास कलेक्शन वालों की कॉल आई, आपको नहीं उठाना है, थोड़ी देर के बाद वो कॉल ऑटोमेटिकली उनके वर्चुअल नंबर पर चली जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई भी लाइव ऑपरेटर उसे नहीं उठाएगा, वहाँ एक रिकॉर्डिंग में अगर मतलब उनके पास सेव हो जाएगा वो नंबर, उनकी टीम जहाँ से फ़ोन आया है उनको कॉल बैक करेगी और आपके बिहाफ उनसे बात करेगी। लेकिन वो नंबर होगा किसका, डायरेक्ट बैंक का हो ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है, वही सड़क छाप लोगों का होगा, रिकवरी वालों का, उनसे बात करके कितना फ़ायदा हो सकता है ये आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पर ये आपको ये बोलते हैं कि आपको फ़ोन उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपके बिहाफ हम बात करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिकवरी वाला अब आपके घर नहीं आएगा, वो रिकवरी वाला फिर भी आ सकता है। और तीसरी बात, ये सेटलमेंट मोटे मोटे तौर पर आपका करवाते हैं 50% में, तो मान लीजिए कि 8 महीने के बाद 50% में ये आपका सेटलमेंट करवा रहे हैं, तो भाई आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, 8 महीने के बाद अगर आप इनको हायर नहीं करेंगे तो अभी 50% में ही आपका सेटलमेंट होने वाला है। लेकिन बड़ी बात है विश्वास की, आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए एक लीगल टीम काम कर रही है तो क्यों नहीं सारा काम उन्हीं को दे दूँ, तो आप इनसे बिल्कुल बात कर सकते हैं। मैं इनके अगेंस्ट में नहीं हूँ क्योंकि दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कम से कम कई लोगों के सुसाइडल थॉट्स को ख़त्म कर रहे हैं, कई लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरी मदद कर सकते हैं। अब होता क्या है, क्या ये 50% पैसा आपको एक साथ देना है, आपको एक साथ देने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको एक पर्टिकुलर बैंक के अकाउंट में हर महीने आपकी जो भी काबिलियत है आपको उतना पैसा हर महीने डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है, और जिस दिन सेटलमेंट लेटर आपके हाथ में आ जाए उस दिन इनके बिहाफ इनकी तरफ से जो सेटलमेंट लेटर आपको दिलवाया जाएगा वो जिस दिन आ जाए आप उस पैसे को निकाल कर आप उसका सेटलमेंट कर देंगे। तो इसका फ़ायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है, हम अब दोनों पर बात कर लेते हैं शॉर्ट में। फ़ायदा यह है कि आपको बहुत अधिक मेंटल सपोर्ट मिलता है कि कोई है जो आपके पास है। दूसरा, इनके ऑनबोर्डिंग के कुछ चार्जेस होते हैं जो कि इस 50% से एकदम अलग है। ये फायदा है, नुकसान है, नुकसान है, ओके, फायदे की बात कर रहा था। तो मेंटल सपोर्ट एक आपको मिलता है, ये बहुत बड़ा फायदा है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास एक टीम है, कोई है जिससे आप बात कर सकते हैं अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो, ये फायदा है। और नुकसान ये है कि आपका सेटलमेंट जो 50% से भी कम में होता हो सकता था, आप उस अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखते होंगे तो मैं आपको बताता हूँ हमेशा 30-40%, तो 30-40% में सेटलमेंट हो जाता है बिना हायर किए, तो आप इनको हायर क्यों करेंगे। लेकिन जिनको जानकारी नहीं होती वो चाहते हैं कि भाई हम इनको हायर कर लें। तो ये एक पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट डिसीजन है कि आप एक डेट सेटलमेंट कंपनी को हायर करना चाहते हैं अपने डेट से निपटारा करवाने के लिए, या फिर आप उनको झेलना चाहते हैं और उसके बाद 30-40% पर आप सेटलमेंट करवाना चाहते हैं। झेलना तो आपको उनको पड़ेगा, आई मीन टू से
कॉल्स आपकी रुकेंगी नहीं। रिकवरी एजेंट्स अगर आपको विजिट करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो बिल्कुल मिल सकते हैं, क्योंकि इनको हायर करने से आपको इसमें कुछ विशेष फ़ायदा होने वाला है नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या आपको डेट सेटलमेंट कंपनीज को हायर करना चाहिए या इस डेट का सेटलमेंट खुद ही कर लेना चाहिए। और खुद ही करने के लिए आपको कोई वकील बनने की ज़रूरत नहीं है, इंतज़ार करना है, सिर्फ इंतज़ार करना। वो सामने से आकर कहेंगे कि भाई सेटलमेंट कर लो, सेटलमेंट लेटर आया आपके हाथ में, पेमेंट कर दो। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, कैश में नहीं करेंगे। पेमेंट आपने कर दिया, सेटलमेंट हो गया, बात ख़त्म हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद भी सेटलमेंट कर सकते हैं, तो इनको हायर करने का कुछ विशेष फ़ायदा मुझे नहीं लगता कि होने वाला है। अगेन चॉइस है सबकी अपनी, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि ये कैसे काम करते हैं और आपको इनको हायर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, कितना एडवांटेज है और कितना एडवांटेज नहीं है, ये सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाता रहता हूं। तो नए अगर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को क्लिक कर दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब कभी मैं वीडियो आप पोस्ट करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो देर किस बात की, कमेंट कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, मैं कोशिश करता हूँ कि हर कमेंट का मैं जवाब दूँ। अगर बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा मुझे जवाब नहीं देने की आवश्यकता है तो मैं दे देता हूँ, लंबा चौड़ा होता है तो फिर वीडियोज़ कभी मैं बनाऊँ तो उसमें आपको जानकारी मिल जाती है। वैसे बहुत सारी जानकारी मैं मेरी वीडियोज़ में दे चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलता हूँ फिर मैं आपसे अपने अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड टेक नो टेंशन।